हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बुजुर्गों के पहनने वाला एक हाफ बनियान की कटिंग। आप देखते होंगे कि साइड पॉकेट में जो बनियान लगा रहता है और कॉलर, उसमें कॉलर भी रहता है, बिना कॉलर का भी बनता है, तो उसी कटिंग आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको 2 मीटर कपड़े चाहिए। अगर आप गर्मियों के लिए बना रहे हैं बनियान बुजुर्गों के लिए, तो कॉटन का कपड़ा अच्छा होता है। तो हमने कॉटन का कपड़ा लिया हुआ है, तो इसे हम आपको बताएंगे। तो जैसा कि ये बनियान जो है, हाफ बनियान कटिंग करना बहुत आसान है। तो आप इसी तरह से आपके घर में भी अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, तो उनके लिए भी आप अच्छे तरह से बनियान बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, हमने इसको इस तरह से घड़ी किया हुआ है। ये बहुत पतला कपड़ा है, कॉटन का कपड़ा है। ये गर्मियों के लिए पहनने के लिए बड़ा आसान अच्छा रहता है। तो इस तरह से आप इसको पहले घड़ी कर लीजिए अच्छे से, इस तरह से। तो हमने इस तरह से इसको घड़ी कर लिया है, आप देख सकते हैं, डबल पल्ले में ऐसे। तो अब हम आपको बता देते हैं इसकी साइज क्या है। और यहाँ जो हम एक लाइन खींचते हैं, और यहाँ से इसकी लंबाई हम लेंगे। लंबाई इसकी जो है 32 इंच है। तो 32 इंच पर हम यहाँ 1 इंच एक्स्ट्रा रख के हम 33 इंची पर निशान लगाते हैं। तो यहाँ हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से। तो अब यहाँ शोल्डर का नाप लेंगे हम। शोल्डर जैसा कि 18 इंच है, तो हम 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसका जो चेस्ट है वो 34 इंच है, तो उसका चौथा भाग आएगा 4.5 इंच। तो हम यहाँ 8 इंच पर निशान लगाएंगे, आधी इंची माइनस कर देते हैं। अब यहाँ से हम 8.5 इंच निशान लगाएंगे। अब यहाँ लूजिंग के लिए हम 2 इंच इसमें रखेंगे। 2 इंच हम लूजिंग रख देते हैं। 2 इंच आपको भी रखना है, साइज जो भी हो, और चाहे नाप इसी हिसाब से कटिंग होगा। तो हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं इस तरह से, और ये यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। अब यहाँ आर्म होल का हम निशान लगा देते हैं। अब यहाँ बॉटम कितना रखना है इसका, जैसा कि चेस्ट जो है 34 इंच है, तो उसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच यहाँ से। तो फिलहाल यहाँ हम इसको 4 इंची हम एक्स्ट्रा इसमें रखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, राउंड वाला स्केल अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। तो इस तरह से इसको रखें और यहाँ से इसको निशान लगा दीजिए हल्का सा सेव करके, और यहाँ से इस तरह से इसको मिलाना है आपको। तो ये जो है, जिसको यहाँ से आप मिला लीजिए बरोबर, चाहे आप स्केल राउंड वाले स्केल से मिला लीजिए। तो इस तरह से आप इसको मिला सकते हैं। अब यहाँ जो है पॉकेट लगाने का निशान आपको लगाना है। यहाँ से हम इसको 7.5 पर निशान लगाते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा ऊपर लगाएंगे तो हाथ डालने में दिक्कत होती है। तो यहाँ से हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे, और यहाँ 1.5 इंची पर एक और निशान लगाते हैं। और यहाँ गले में, जैसा कि गोल गला है, इसमें बटन भी सामने लगता है, तो गले के लिए हम 2.5 इंची निशान लगाते हैं। गले का कभी भी छठा भाग लेना चाहिए, जैसे 14 इंची 16 इंची जो भी हो। यहाँ से हम इसको राउंड कर देते हैं, और यहाँ शोल्डर हम 1.5 इंची डाउन करेंगे। तो यहाँ से निशान लगाएंगे। अब ये हमारा मार्जिन हो गया। तो इस तरह से आप भी मार्जिन कर लीजिए और इसको कटिंग कर लीजिए। तो फिलहाल इसको हम कटिंग कर लेते हैं।
तो आप देख सकते हैं कि हमने इसको कटिंग कर लिया है फ्रेंड को, अब हम इसको बैक की कटिंग करेंगे। तो हमने इसको इस तरह से घड़ी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हम फ्रेंड को रखेंगे इस तरह से, इसको बरोबर रखना है आपको यहाँ बरोबर साइड में, अपनी साइड में बरोबर इसको मिला लीजिए ताकि कहीं गड़बड़ ना हो कपड़े। अब यहाँ ऊपर क्या करना है आपको, थोड़ा सा इसको यहाँ जो हमारा ये गला है ये, इसको हम 1.5 इंची यहाँ से डाउन करेंगे। 1.5 इंची हम इसको थोड़ा सा हल्का सेव कर देते हैं और यहाँ से हम इसको थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं। इस तरह से अब इसको क्या करेंगे हम, ये जो फ्रंट है इसको हम थोड़ा नीचे ले जाएंगे ऐसे, आप देख सकते हैं इस तरह से। हमने लगभग इसको 2.5 इंची हमने नीचे ले गया है, आप देख सकते हैं 2.5 इंची हमने नीचे लाया है फ्रंट को, और बैग जो है हमने 2.5 इंची ऊपर बड़ा कर दिया है। अब यहाँ हम 9.5 इंच पर निशान लगा देते हैं। अब यहाँ का एक हम थोड़ा सा लाइन खींचेंगे और यहाँ हम हल्का सा सेव कर देते हैं आर्म होल का। अब फिर हमको इसी पर, इसी निशान पर कटिंग कर लेना है। अब ये हमने वेव फ्रंट दोनों कटिंग कर दिया है। अब ये जो हमने निशान पॉकेट का लगाया हुआ है, यहाँ हम आपके कट निशान कट का कर देते हैं ताकि यहाँ से दोनों साइड में पॉकेट का निशान लगा रहे। अब ये वेक फ्रंट हो गया। अब आपको इसकी आस्तीन कटिंग कर लेना है। तो आस्तीन भी इसकी हाफ कटिंग करना है। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। जितनी आपको आस्तीन की लंबाई चाहिए उतनी उतना ही कपड़ा फोल्ड करें, बाकी कपड़ा वेस्टेज न जाने पावे। तो हमने इस तरह से इसको घड़ी किया हुआ है। अब इसकी लंबाई आप देख लीजिए कितना है, जैसा कि आस्तीन की लंबाई 10 इंच हमको रखना है, तो हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे ऐसे। अब यहाँ से हम 10 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ 1.5 इंच 2 इंची फोल्ड के लिए ऐसे, और इसकी चौड़ाई हमने 8.5 इंच रखा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, इसको 2.5 इंच हम डाउन करेंगे। अब यहाँ से हल्का सा हम क्रॉस कर देते हैं ऐसा, इस तरह से। ये कपड़ा बहुत पतला है। अभी हमने आस्तीन कटिंग कर दी है, यहाँ हम कट लगा देते हैं इस तरह से। और ये जो फ्रंट की साइड में आएगा थोड़ा सा इसको हम हल्का सा डाउन करेंगे इस तरह से, ये ऐसा कि ये ताकि सामने रिंकल ना आए। अभी इस तरह से आस्तीन आप कटिंग कर लेते हैं तो आस्तीन हो जाएगा कटिंग आपका। अब इसमें आपको साइड पॉकेट कटिंग कर लेना है। साइड पॉकेट के लिए आपको कपड़ा इस तरह से घड़ी कर लेना है। इसकी चौड़ाई जो है आपको 7 इंच रखना है और इसको इस तरह से फोल्ड करना है ऐसे। हमको दो साइड पॉकेट कटिंग करना है तो हमको इसकी लंबाई जो है, इसकी गहराई जो है वो 6 इंच तैयार रखना है। अब यहाँ से हम इसको 6 इंच और निशान लगा देते हैं। यहाँ से हम इसको कटिंग कर लेते हैं।
अब इसको इस तरह से आपको रखना है और इसको इस तरह से घड़ी कर लेना है, और यहाँ से थोड़ा सा आपको इसको क्रॉस कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से आप साइड पॉकेट की भी कटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी साइड पॉकेट वाली बनियान की कटिंग बुजुर्गों के लिए। तो आई होप यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आप साइड पॉकेट वाली बनियान की कटिंग सीख गए होंगे। तो अगर इसका स्टिचिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका स्टिचिंग का भी वीडियो हमने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो शेयर लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।